नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम स्वच्छ भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, स्वच्छता हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। आज हम आपको स्वच्छ भारत में एक जगह लेकर जाने वाले हैं। मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। आइए चलते हैं। स्वच्छता की सीख लोगों में किस तरह प्रचलित है, इसकी एक मिसाल मुझे आज देखने को मिली। भैया, ये क्या तरीका हुआ बोतल नीचे फेंकने का? पब्लिक प्लेस है, जैसे अपना घर साफ रखते हो वैसे इसको साफ रखिए। कोई अच्छी बात थोड़ी ना, हम अपने गाड़ी साफ रखते हैं, घर साफ रखते हैं, लेकिन अपना पब्लिक प्लेस हम साफ नहीं रख सकते। गलत बात है ना भैया? ये पकड़िए बॉटल और काइंडली इसको डस्टबिन में डालिए, ठीक है? जिस तरह आप अपना घर साफ रखते हैं ना, हमारे पब्लिक प्लेस को भी साफ रखिए, ठीक है? डालिए आप इसको डस्टबिन में। नमस्कार रोहित जी, कैसे हैं सर? हेलो हर्ष जी, हाउ आर यू? कैसे हैं? मैं ठीक हूं। मैंने देखा कि आप तो यहाँ पे भी स्वच्छता के लिए बड़े फोकस्ड हैं। हर्ष जी देखिए, अगर हमारे आसपास का माहौल ठीक नहीं रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य इफेक्ट होगा, हमारा हैप्पीनेस जो अंदर से हमारी खुशी होती है वो हैप्पीनेस हमें नहीं मिलेगी, इसलिए हमारे लिए स्वच्छता का बहुत महत्व है। आपको क्यों लगता है कि स्वच्छता क्यों ज़रूरी? हम देखते हैं कि लोग स्वच्छता की बातें तो बहुत करते हैं, बट स्वच्छता ज़रूरी क्यों है? हर्ष जी देखिए, स्वच्छता ही स्वास्थ्य है, स्वच्छता ही हैप्पीनेस है, और स्वच्छता ही मैं एक तरह से कहूँगा कि एक जीवन है। जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके आसपास का माहौल, ये स्वच्छता ही। बिल्कुल रोहित जी, मैं देख रहा हूँ आपका चैम्बर बहुत सुंदर है, एडवोकेट चैम्बर, तो वहाँ भी आप काफ़ी स्वच्छता रखते होंगे? डेफिनेटली हर जी, हमारी सोसाइटी का हर मेम्बर स्वच्छता के लिए जागरूक है, और आप ये खुद चल के भी देख सकते हैं हमारे चैम्बर में। शिमला के चक्कर स्थित जिला न्यायालय के समीप अधिवक्ताओं का चेंबर कॉम्प्लेक्स दिखने में बाहर से जितना विशाल और ऊंचा है, अंदर से उतना ही व्यवस्थित और सुंदर है। कई सतहों में विभाजित इस कॉम्प्लेक्स में कई कक्ष हैं, जिनमें अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट से जुड़े कार्य व संबंधित दस्तावेज व अन्य कार्य किए जाते हैं। दर्शकों, आज हम लॉयर्स चैम्बर में आ चुके हैं और हम बातचीत करने वाले हैं स्वच्छता के बारे में। जो हमारे लॉयर्स हैं, हमारे जो अधिवक्ता हैं, वो कितने जागरूक हैं, क्या क्या वो कार्य करते हैं, तो अभी मैं रीटा जी से जानता हूँ कि वो स्वच्छता के लिए कितना जागरूक है। रीटा जी नमस्कार। नमस्कार रीटा जी, कितने जागरूक हैं आप स्वच्छता के लिए? देखो, अगर हमने स्वस्थ रहना है तो स्वच्छता की तरफ तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सफाई रखेंगे तभी हम सेफ रह सकते हैं। अगर गंदगी फैलाते हैं, आपने देखा होगा, गंदगी अगर बाहर होती है उस पर कीटाणु बैठ जाते हैं, वही कीटाणु अंदर चले जाते हैं, और अंदर अगर रूम में वो चले गए तो हमारे ऊपर, मतलब कि खाने पे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी को हम दावत देते। तो मेरे हिसाब से हमें तो हर चीज़, मतलब कि स्वच्छता के बारे में हमें घर से ही सबको, हर एक को जागरूक होना चाहिए, और अगर हम हर एक जागरूक रहेंगे और घर से हम साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तो बाहर भी हम साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, और सारा देखा जाए तो सारा, मतलब कि जो वातावरण है वो साफ़ रहेगा अगर हम खुद, मतलब इस बारे में जागरूक रहेंगे। मैम, आज इत्तेफाक से आप मुझे यहाँ पे मिल गए, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप देखते हैं किसी इंसान को, हम अक्सर देखते हैं कि लोग गाड़ियों से रैपर्स फेंक देते हैं, अपनी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स फेंक देते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? और बीइंग इंडिविजुअल, आप एक लॉयर भी हैं, बट बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ इंडियन सिटीजन, आपको क्या लगता है कि हमें क्या कदम उठाना? आपका किचन का वेस्ट है, उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, वो आपका, मतलब कूड़ा जो भी घर की कूड़ा है वो आप बाहर ना फेंके, उसको हर चीज़ को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं ये इंश्योर करती हूँ कि जो मेरे आस पड़ोस में है उनको, मैं बच्चों को भी बोलूँ कि आप जो अपना घर का कचरा है वो कहीं ना कहीं उसको रीयूज़ करें, और ऐसे ही कहीं ना फेंक दें, या तो डस्टबिन में डालें, और अपना किचन का वेस्ट उसको मैन्योर बनाएं, और उसको ग्रीनरी जैसे प्लांट्स लगाएं उसमें डालें, तो सारा कुछ, मतलब आप इस तरह से अगर आप मैनेज करोगे तो सारा का सारा स्वच्छ हमारा एनवायरनमेंट स्वच्छ रहेगा, और जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही हमारा ये धरती हमारी एकदम स्वच्छ और ग्रीन रहेगी। कोर्ट से जुड़े कार्य जितने जटिल और व्यस्ततापूर्ण होते हैं, उन्हें एक अच्छे शांत व सुलझे हुए वातावरण की आवश्यकता होती है, जो इन कक्षों में सुंदर तरीके से बनाया गया है।
विधि की पुस्तकें, पत्रिकाएं व अन्य दस्तावेज इन रैकों में सजे हुए सतत अध्ययन की बात को दर्शाते हैं। इन कक्षों की साफ सफाई, टेबल व सामानों की साफ सफाई यहाँ के अधिवक्ताओं की दैनिक क्रिया में शामिल है। नमस्कार रिंकू जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बढ़िया रिंकू जी, मैं देख रहा हूँ कि बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ आपने अपना चेंबर। कोशिश करते हैं एक्चुअली, इस जो साफ सफाई है उसके साथ ही जो है, अगर हम साफ सफाई रखेंगे तभी जो है हमारा मन भी प्रसन्नचित रहेगा। तो मैं क्या आपका चेंबर भी देख सकता हूँ? हाँ हाँ, डेफिनेटली आइए प्लीज जी, आइए आप प्लीज। थैंक यू रिंकू जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके यहाँ पे आके। वाओ, बहुत ही सुंदर चेंबर बनाए हुए आपने। थैंक यू सो मच। हाँ, स्वच्छता का भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, कोशिश करते हैं हम लोग जी। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर हम अपने मन को स्वच्छ रखना, शरीर को स्वच्छ रखना चाहते हैं तो, और बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हम लोगों को जो है स्वच्छता का ध्यान रखना ही पड़ेगा। आपकी लाइफ में क्या आप एक स्वच्छता के लिए मतलब इतने ज़्यादा सेंसिटाइज हैं, जिसको कहते हैं कि एक फ्रीक हैं कि आप स्वच्छता के लिए? बिल्कुल, स्वच्छता की अगर आप बात करें, स्वच्छता एक शब्द नहीं है, स्वच्छता मेरे लिए एक बिहेवियर है। इट इज़ द वे ऑफ लिविंग। मुझे लगता है कि जैसे अगर हम जब स्वच्छता रखते हैं, उस जैसे हम अपने कपड़ों की सफाई करते हैं, अपने आसपास की साफ सफाई करते हैं, अपने शरीर की सफाई करते हैं, उससे जो है हमें जो एक शांति मिलती है, एक जो हमें जिसे आप कहेंगे कि बिल्कुल बौद्धिक हमारा विकास होएगा इन चीज़ों से, और मानसिक बहुत ज़्यादा हमें शांति मिलती है इन चीज़ों से। रिंकू जी, आप इतनी सीनियर एडवोकेट हैं, लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस आपको है वकालत के क्षेत्र में, तो आपको क्या लगता है कि क्या कदम एक आम नागरिक उठा सकता है स्वच्छता के लिए? स्वच्छता के लिए तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे अपना अगर हम बोलें तो अपने आसपास की साफ सफाई मेंटेन करनी चाहिए आदमी को। जैसे सबसे पहले तो हम अपने आप से शुरुआत करेंगे, अपनी जो है हमारा, जैसे हम अपने हाथों को सैनिटाइज करें, अपने हाथ हमेशा जैसे धोएं, इवन आसपास जो है वो गंदगी ना फैलाएं। अगर हम खुद अपने आप पे कंट्रोल करेंगे तभी हम आगे किसी और को सीख दे सकते हैं, हम किसी को बोल सकते हैं कि भाई ये गंदगी ना फैलाओ। ठीक है, तो उसके लिए जो है शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत हमारे अपने से होगी। तो अगर जैसे अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, उससे जो है हम लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है। इवन लोग जो हैं, जो साफ सुथरे जो है, जो स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली लोग उनको जो है रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप अपने आसपास सफाई रखेंगे, जैसे अपने मोहल्ले में सफाई रखेंगे, तो उससे जो है आपके कीड़े मकौड़े जैसे मच्छर, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, उससे बीमारियों से आप बच सकते हैं। चुंगो, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं, और वैसे भी हमारा काफ़ी युवा देश है, लगभग 60% आबादी 40 साल से नीचे है। बच्चों से पहले तो मैं उनके पेरेंट्स को और जो उनके बुज़ुर्ग हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगी, अगर वो अपने बच्चों को जो है ये आदत अगर वो इनकलकेट करते हैं उनके अंदर, जैसे स्वच्छता को लेकर जो है उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं, तो वहीं से जो है बच्चों का जो है फ्यूचर अच्छा बनेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये परिवार से शुरुआत होती है, परिवार के बाद स्कूल से इवन जो हम लोग भी हैं, हमें भी बच्चों को जो, इट इज़ नॉट लाइक कि मैं अपने बच्चे को ये सिखाऊँ, मैं दुनिया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब हमारे अपने ही बच्चे हैं, तो अगर मुझे कुछ गलत लगता है तो मुझे उसको प्यार से समझाना चाहिए किसी भी बच्चे को, और जो है अगर हम अच्छे संस्कार आज से उनमें इनकलकेट करेंगे तभी जो है हमारा भविष्य जो है उज्जवल होगा। मुझे तो कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, कि आप भी कॉफ़ी पीने का आपका मन है, क्यों ना आपकी कैंटीन चलें, देखें वहाँ भी क्या स्वच्छता का माहौल है। हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली चलिए प्लीज़। आप यहाँ पहले भी रिंकू जी, बहुत ही सुंदर कैंटीन है आप लोगों की। प्लीज़, हाँ जी, थैंक यू। पहले आए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ पे। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ से सीनिक ब्यूटी देखोगे, और मैं यहाँ यहाँ पे काफ़ी सारे सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं, तो सोलर पैनल्स भी लोग कहते हैं कि अब हमें मतलब गो ग्रीन, मतलब ऐसी चीज़ों की इस्तेमाल करना चाहिए जो प्रदूषण कम करें और स्वच्छता में जो एक अपना योगदान निभाएं। बिल्कुल हर्ष जी, ये एक्चुअली जो है, जो ये सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, ये इस वजह से लगाए गए हैं सो दैट, क्योंकि जैसे अगर आप हमारा कॉम्प्लेक्स देखेंगे, जैसे जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है और बिजली की जो है बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, तो
तो सोलर पैनल्स की वजह से जो है हम काफ़ी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे हैं। इनफैक्ट हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेव कर रहे हैं वहाँ से। हेलो 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 रीना, आओ प्लीज़ ज्वाइन करो हमें। मैम, हम स्वच्छता के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपकी कैंटीन भी काफ़ी स्वच्छ है, आपके जो चेंबर्स हैं वो भी काफ़ी स्वच्छ है, आपकी कोर्ट भी काफ़ी स्वच्छ है। तो अगर हम बात करें शिमला की, शिमला अभी भी काफ़ी एक स्वच्छ सिटी उसको कहा जाता है, स्मार्ट सिटी भी हम बनने वाले हैं, क्या क्या हम कदम उठा सकते हैं इस रिगार्डिंग? मेन तो ये कि डस्टबिन जो प्रॉपर लगे उसे यूज़ किया जाए, ये नहीं कि यूज एंड थ्रो हर जगह फेंक दो। आप तो नहीं चाहिए जी, पर्सनली भी आप देखते हैं तो आपका दिन तो बहुत रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तकलीफ होती है इन चीज़ों को देख के। हेलो, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। मैंने अभी आपको देखा कि आप महात्मा गांधी की ओर पढ़ रहे थे, और अक्सर ये कहते हैं जो हमारे प्यारे बापू थे उनका ये सपना था कि जो हमारा भारत है वो स्वच्छ रहे, क्योंकि जब हम स्वच्छ रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम स्वस्थ रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए स्वच्छता के लिए, चाहे वो गाँव के लेवल पर हो, शहर के लेवल पे हो, कम्युनिटी लेवल पे हो? आपको हमने कोर्स में की, कोर्स तो बहुत ज़्यादा साफ है, बट कहीं ना कहीं वो इसलिए भी साफ है क्योंकि आप लोग एक प्रयास कर रहे हैं। देखो ऐसा है, बापू जी का सपना था कि भी एक साफ इंडिया रहे, तो घर से शुरू करते थे। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हाइजीन मेंटेन करना है, एक बेसिक सी साफ सफाई आप घर से शुरू कर सकते हैं। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, घर पे जो है कूड़ा हर कहीं फेंक देते हैं। अगर प्रॉपर जो है गांव में हम लोगों को अवेयर करें कि अपना जो है कूड़ा वगैरह घर का वेस्ट है उसको हम प्रॉपर जो है एक डिस्पोज जहाँ किया जा सकता है उसको एक वैसे प्लेस पर रखें, तो उससे आपके आसपास एक सफाई मेंटेन हो सकती है। मैं एक ऐसी पंचायत से आता हूँ, वहाँ पे जो है कोई भी ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी वहाँ पे, लेकिन अभी हमने कुछ टाइम से जो है ये शुरू किया कि जगह जगह पे हमने जो है डस्टबिन वगैरह वहाँ पे रखे, लोगों को अवेयर किया कि भी आप जो घर का जो वेस्ट है वो बजाय कि इधर उधर फेंकने का प्रॉपर उसको जो है किसी एक थैले में रखें और डिस्पोजेबल थैले में डालें, और वहाँ पर जो हम उसको जो फेंक देते हैं, उसके बाद उसको कलेक्टिवली एक ऐसी जगह पर जहाँ डिस्पोजल करना है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पर उसको जो है डिस्पोज करा देते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है हम लोग जो है गांव गांव जाके जो है लोगों को, गरीब लोगों को भी जो अवेयर कर सकते हैं कि इस तरीके से हम जो इधर उधर गंदगी ना फैलाए, इसको जो हम एक जगह पे जो है सारा अपना जो डिस्पोजल है उसको जो रखें, ताकि उसे जो हमारा इन्वायरमेंट जो सेफ रहे। रीना मैडम, आप उस टाइम बात कर रहे थे कि लोग बहुत सारा कचरा वचरा फेंक देते हैं, आपका दिल भी काफ़ी दुखता होगा ये देख के, क्योंकि जब सफाई करनी पड़ती है तो कहीं ना कहीं एल्बो ग्रीस काफ़ी लगती है सफाई में। और विद पैसेज ऑफ एज, अगर मैं अपनी बात करूँ रिंकू जी, शायद आप एग्री करेंगे, अब इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती काम करने की भी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं साफ़ सफाई के बारे में, तो रिसाइकलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं बाहर की कंट्रीज़ काफ़ी रिसाइकल करती हैं, तो क्या रिसाइकलिंग से भी हम कहीं ना कहीं स्वच्छता को हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उसको हम जैसे प्लास्टिक के, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग हो रही है, तो उसके लिए आगे भी दिए जा सकते हैं, उस एक कंटेन कहीं भी वो भी इकट्ठा किया जा सकता है और उसको वहाँ भिजवाया जा सकता है। जी रिंकू जी, जब हम बात करते हैं स्वच्छता की, तो हम कहते हैं कि जो कूड़ा है वो हमेशा कूड़ेदान में डालें, बट कई बार हम ये देखते हैं कि जो कूड़ेदान है वो फुल हो जाते हैं, उसके ऊपर भी कचरा होता है, और लोग जो सेग्रीगेशन होती है ना गीले और सूखे कचरे की, वो नहीं करते। तो क्या ये बेसिक चीज़ें हम घर पे भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते ही हैं, बल्कि अगर आप शिमला एस स्मार्ट सिटी जैसे आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें MC ने जो है दो अलग अलग डस्टबिन दिए हैं, एक येलो कलर का और एक ग्रीन कलर का, जिसमें वो ये कहते हैं एक में आपने सूखा कचरा डालना है, एक में आपने गीला कचरा डालना है, एंड हम लोग ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। एटलीस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो लिमिट्स हैं उसके अंडर तो ये जो है अभी फॉलो हो रहा है। इन चीज़ों को भी हम कर सकते हैं, कहने की इससे भी हम स्वच्छता हासिल कर सकते हैं। जी देखो, इन्वायरमेंट का जो पोल्यूट करने में जो है गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, या जो इंडस्ट्रीज वगैरह जो है इनका बहुत बड़ा जो है ये मेजर रोल प्ले करते हैं। हम लोग जो है गाड़ियों को जो है निकलने वाला धुआं है ये जो है काफ़ी अनचेक्ड रह जाता है, इसमें जो है लॉ के पार्ट में भी थोड़ी सी दिक्कत है, और हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के पार्ट में भी थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि जो शिमला में जो मैंने देखा है फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स में व्हीकल चला रहा हूँ, लेकिन कोई भी पोल्यूशन जो है ना कोई सर्टिफिकेट मेरा कोई चेक कर रहा है, ना कोई ऐसा कोई सर्टिफिकेट जो है मेरी गाड़ी को जो है इशू कर रहा है। इसमें तो एक चीज़ और ऐसा होगा जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही है, ये चीज़ हम लोग जो है पेपर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो है पेड़ों की कटिंग वगैरह होती है, हम लोग जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है इन चीज़ों को भी पेपर्स की वेस्ट को जो कम कर सकते हैं। जैसे अब लॉयर्स के ऑफिसेज है, हम अपना ऑफिस को जो है डिजिटली शिफ्ट कर सकते हैं, फाइल्स के ऊपर हम बहुत सारा जो है कागज़ जो वेस्ट कर देते हैं, कोर्ट्स की जगह अपोनेंट को हमने कोई कॉपी सप्लाई करनी होती है, तो मतलब हम लोग अगर इस चीज़ को भी प्रमोट करें अपने प्रोफेशन के अंदर कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाए, उससे भी शायद हम जो है कहीं ना कहीं जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पॉल्यूशन को हम जो कम कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स में स्थित कैंटीन यहाँ के लोगों के लिए
जल पान की सुविधा देती है, जिसे साफ व स्वच्छ बनाए रखने में कर्मचारियों की बड़ी भूमिका है। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? आप कैसे हैं? अब बड़ी साफ सुथरी कैंटीन है आपकी, क्या राज है इसके पीछे? सर ये हमारे स्टाफ की मेहनत है, ये पूरे दिन साफ सफाई में लगे रहते हैं साथ में काम के साथ साथ। तो आपके दिन की शुरुआत कितने बजे हो जाती है? हम सुबह 8 बजे से स्टार्ट करते हैं सर, 8 बजे से 9 बजे तक क्लीनिंग टाइम है हमारा, उसके बाद हम सर्विसेज स्टार्ट करते हैं सर। अच्छा, तो मतलब आपका दिन की जो शुरुआत है काफ़ी हैक्टिक रहती होगी, तो काफ़ी स्ट्रेसफुल भी रहता होगा। और हम देखते हैं कि जब इतना बड़ा चेंबर है, इतने सारे अधिवक्ता जो एडवोकेट्स हैं आपके साथ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कचरा भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होता होगा, तो उसको आप कैसे सेग्रीगेट करते, कैसे डिस्पोज करते? इसको सर हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमारे गार्बेज कलेक्ट करके ले जाते हैं, ये हमारे गार्बेज सेग्रीगेट होता है ड्राई एंड बैट्स में अलग अलग हो जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब, बट माई स्टाफ इज डूइंग वेरी वेल। और रिंकू जी और बाकी अधिवक्ताओं का कितना सपोर्ट रहता है, कितना एडवोकेट्स का सपोर्ट रहता है आपके लिए? टोटली कैंटीन चैम्बर का पूरा सहयोग रहता है सर। और अभी आपने मतलब रिंकू जी को और हमारे बड़ी अच्छी कॉफ़ी पिलाई, मेरे हिसाब से रिंकू जी बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी थी, काफ़ी इन्जॉय किया हमने। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें पता है कि मैं कैसी कॉफ़ी पीती हूँ और वो बिल्कुल मुझे मेरी पसंद की कॉफ़ी ही पिलाते हैं हर बार। तो ब्रिज जी, जब आप देखते हैं ना कि कुछ लोग साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, कुछ लोग कैंटीन को गंदा करते हैं या चेंबर्स को गंदा करते हैं? सर एक तो हम उनको बोलते हैं कि आप ऐसा ना करें, अगर फिर भी कोई करता तो हम उनके सामने ही उसे साफ़ करके उनको एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि वो भी सफाई रखें, वो भी सफाई रखने में हमारे सहयोग करें। जी अभी हमने देखा कि हम कॉफ़ी पी रहे थे मैं और रिंकू जी, तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे साफ़ सफाई भी साथों साथ हो रही थी, झाड़ू भी लग रहा था, पोछा भी लग रहा था। तो मतलब एक दिन में कितनी बार आप साफ़ सफाई करते हैं? सर एक दिन में 3 बार ही साफ़ सफाई करते हैं हम, सुबह स्टार्टिंग में, आफ्टर लंच और इन द टाइम ऑफ क्लोजिंग। एडवोकेट चेंबर कॉम्प्लेक्स में गाड़ियों की पार्किंग हेतु पर्याप्त पार्किंग स्पेस भी है, जहां कई गाड़ियां एक साथ पार्क की जा सकती हैं। और अच्छी बात ये भी है कि इन पार्किंग में सोलर पैनल के कवर लगाए गए हैं, जो ग्रीन एनर्जी यानी कि क्लीन एनर्जी के कंसेप्ट पर आधारित हैं। सोलर एनर्जी के माध्यम से विद्युत तो उत्पन्न होती ही है और इसे अधिक रख रखाव की आवश्यकता भी नहीं होती। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरफ भी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ या सोलर एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, उससे क्या होगा हमारा पोल्यूशन जो है वातावरण में काफ़ी प्रदूषण बिल्कुल ही कम हो जाएगा। हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, शायद हमारे हिमाचल प्रदेश में स्टेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है हमारा HRTC ने फर्स्ट स्टेट बनी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बसेज जो चली हैं, और मेरे ख्याल से उसके बाद हमारे और स्टेट्स भी हमारी स्टेट्स को फॉलो कर रहे हैं। और इससे क्या होगा कि हमारा लाइट वगैरह का जो है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स का घर की लाइट्स हैं, उसमें भी हम सोलर एनर्जी बहुत पहले से हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम सब जगह अपने हर घर में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और जिससे कि हमें अपने वातावरण को जो है प्रदूषण से बचाया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि कुछ लॉज भी होने चाहिए स्वच्छता के लिए, क्योंकि हम देखते हैं जो हमारा देश है कहीं ना कहीं उसमें एक लॉज की भी एक रिक्वायरमेंट रहती है? हर चीज हमारे सिस्टम में ऑलरेडी देयर आर एग्जिस्टिंग लॉज विच डील विद दिस सब्जेक्ट। हमारा इंडियन पीनल कोड में देर आर सेक्शंस, नेमली आई कैन टेल यू टू सेक्शन स्पेसिफिकली, सेक्शन 277 वो डील करता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वाटर बॉडी, किसी वाटर रिजर्वायर को कंटेमिनेट करता है तो दैट एक्ट ऑफ द पर्सन इज पनिशेबल अंडर लॉ। सिमिलरली यदि कोई आदमी पब्लिक प्लेस पे, किसी भी स्ट्रीट पे लिटरिंग करता है, वहाँ का माहौल दूषित करता है, अगेन दैट एक्ट इज़ पनिशेबल। इसी तरह जब सन 2014 में स्वच्छ भारत मिशन हमारी सरकार ने शुरू किया, एट दैट वेरी सेम टाइम इट वाज कंटेम्प्लेटेड कि हमारे एनवायरनमेंट लॉज में एक अमेंडमेंट लाई जाए जिसके द्वारा यदि कोई व्यक्ति हमारे फॉरेस्ट में, हमारे सोशल सेटअप में कोई भी गंदगी फैलाता है तो उसे पनिशेबल करने, पनिश करने का एक कंसीव किया गया था, हालांकि वो एक्ट अभी तक बना नहीं। बट द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग लॉज, द प्रॉब्लम इज हाउ कॉन्शियस आर सिस्टम इज, हाउ कॉन्शियस आर पीपल आर, कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी है। ओनली इफ वी गेट कॉन्शियस एंड ओनली इफ वी इम्प्लीमेंट दोज लॉज तभी हम अपने आसपास सफाई रख पाएंगे। हर फ्लोर के टॉयलेट्स को वो क्लीन करते हैं, और अगर आप खुद जाके भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे सफाई उसी लेवल की है जिस लेवल पे आपके घर की सफाई। जी,
जहां सोच वहां शौचालय और स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में शौचालय निर्माण की सीख दी जा रही है। कॉम्प्लेक्स परिसर के प्रत्येक तल पर शौचालय की व्यवस्था है जो काफी साफ व व्यवस्थित है। और हर्षी, अब मैं आपको मिलवाता हूँ हमारी चैम्बर सोसाइटी के यंग डायनेमिक चेयरमैन साहब से। सर, जैसा कि हमने देखा जो आपके एडवोकेट्स के जो चैम्बर्स हैं वो काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, आपकी कैंटीन भी काफ़ी साफ़ सुथरी है। अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पे कितने चैम्बर्स हैं, कितने डस्टबिन्स हैं, कितनी कैंटीन्स हैं, कितने वॉशरूम्स हैं और कैसे आप लोग साफ़ सफाई को मैनेज करते हैं? ऐसा है, हमारे यहाँ पे 138 चैम्बर्स हैं और बिसाइड्स चैम्बर्स हमारी कैंटीन का स्पेस है ऊपर, और काफ़ी सारा स्पेस हमारे पास है। एक छोटी सी लाइब्रेरी है और उसके अलावा हमारा अपना जो सेंटर्स हैं वो भी हैं। तो बाकी पार्किंग भी है, एम्पल पार्किंग एज वेल। यहाँ पे ऑलमोस्ट 200-300 व्हीकल्स की पार्किंग भी है, विच इज़ अंडर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ दिस सोसाइटी। और क्या आप कोई सफाई का अभियान भी चलाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके जो चैम्बर्स हैं एडवोकेट चैम्बर वो काफ़ी साफ हैं। हर्ष, ऐसा है कि हमारे पास ऑलमोस्ट 5 to 8 मेंबर्स हैं जो रेगुलर सफाई का यहाँ पे ध्यान रखते हैं। 3 times हमारे टॉयलेट्स साफ होते हैं और 2x हमारा ये फ्लोर एरिया साफ होता है, बाकी जो ओपन एरिया है। जो आपका इंटीरियर्स हैं आपके, वो एज पर कन्वीनियंस है, सारे करौते सब हैं, पर अपने अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से जो टाइमिंग है उस पर करौते हैं जी। फिर सेकेंडली, जो ये रेगुलर आते हैं, रेगुलर विजिट्स हैं इनकी, वंस इन अ मंथ हम एक क्लीनलीनेस ड्राइव लॉन्च करते हैं, दैट इज सेकेंड सैटरडे संडे। तो उसमें हम सारे 15 to 20 मेंबर्स होते हैं, तो सारा सराउंडिंग्स को हम साफ करते हैं एंड वी एंश्योर कि जो गार्बेज है, जो डस्ट है, वो सारा हम प्रॉपर जगह पे स्टैक करें, जो MC के कैरी पॉइंट्स हैं वहाँ पे स्टैक करते हैं। जो एडवोकेट्स हैं, जो कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं, कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं कानून को इम्पोज करने वाले एक फैक्टर हैं, वो जब इतना बढ़ चढ़ के स्वच्छता के लिए कार्य कर रहे हैं तो आम जन को क्या करना चाहिए? एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। ये तो साफ रहना तो वैसे भी आपका मौलिक अधिकार है और उसको आपको उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो तो सोने पे सुहागा। दूसरा ही करे, उसका वेट ना करें, आप भी उसमें पार्टिसिपेंट हों, दैट इज माई ओनली मैसेज। स्वच्छ भारत की मिशन की सफलता कई छोटी छोटी बातों पर निर्भर है जिस पर हमें बहुत ध्यान देना होगा, इनमें अमल पर लाना भी होगा। जैसे कचरा डस्टबिन में ही डालें, टॉयलेट या वॉशरूम के बाद हाथ साबुन से धोएं, अपने कक्ष को सुव्यवस्थित व साफ सुथरा रखें, और यही नहीं, बिजली और लाइट्स का उपयोग जहां जितनी जरूरत हो उतना ही करें। सारे जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं हिमाचल में, मैं उन सभी से अपील करूंगी, एज आई हैव सीन हाटू टेंपल देखते हैं हम, और यहाँ शिमला के आसपास लोकल तलाई है, लोग आते हैं प्लास्टिक के पैकेट्स लेके आते हैं, अपने स्नैक्स एंड ऑल सब सारी चीज़ें लेके आते हैं, बट एंड ऑफ द डे क्या होता है, वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। या हम कई बार देखते हैं कि गाड़ियों से टूरिस्ट आ रहे हैं और वही गाड़ियों से चीज़ें फेंकी जा रही है। सो काइंडली स्टॉप देम, अगर ऐसा है आप गंदगी फैलाने हिमाचल ना आएँ, आना है साफ़ सफाई को पूरी तरह मेंटेन करें, ये हमारे पहाड़ हैं और इनकी रिस्पेक्ट करें। एज वी सेड कि हमारा जो हिमाचल है उसे देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि की मर्यादा को बनाए रखें। स्वच्छता ना केवल हमारे घर सड़क तक के लिए ही जरूरी नहीं होती, ये देश और राष्ट्र की आवश्यकता होती है। इससे ना केवल हमारा घर आंगन ही स्वच्छ रहेगा परंतु पूरा देश ही स्वच्छ रहेगा। दर्शकों, कार्यक्रम स्वच्छ भारत में आज हमने आपको दिखाया एडवोकेट्स चैम्बर कोर्ट कॉम्प्लेक्स शिमला। और दर्शकों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अक्सर ये कहा करते थे, जो व्यक्ति स्वच्छ रहेगा वही व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।